रेडियो एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉ किया था। क्या लॉ किया था? डीएन बाई डी टी। डीएन बाई डी टी का मतलब है कितने एटम टूटते हैं पर सेकेंड, जिसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके इक्वल था? लैम्डा एन। मैंने लॉ करवाया था कि जिस रेट से एटम टूटते हैं वो डिपेंड करता है कितने एटम आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम लॉ किया था, और n की जगह तो पुट कर ही सकते हैं n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस dn बाई dt को कितने एटम टूट रहे हैं पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी, या फिर इसे क्या बोलते हैं? डीके रेट। इसे बोलते हैं डीके रेट, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्टिविटी, या एक्टिविटी बोलते हैं, या रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का सिंबल r है, और इसका फॉर्मूला dn बाई dt है, या लैम्डा n है, एक ही बात है। अगर पेपर में आ जाए एक्टिविटी निकाल लो तो समझ लो आप लैम्डा इंटू एन निकालने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम इनिशियली सैंपल में एन नॉट थे, स्मॉल टी टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम कितने बच गए? एन बच गए। कितने समय में एन बचे? टी समय बचे। आपको टी निकालना है। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करनी, बस एक मेथड है कि आप एन नॉट को नीचे ले आएं, दोनों तरफ लॉग लगा दें, लॉग टू द बेस ई, तो माइनस लैम्डा टी नीचे आ गया, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई बचा, जो कि मैथ्स में वन होता है। यहाँ से सॉल्व करके माइनस का माइनस को प्लस कर लेना है, तो एन नॉट ऊपर चला गया, और फाइनली क्या निकालना है? टाइम निकालना है। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मली ऑप्शन में देखने को मिला करता था। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर टाइम, इतने समय में आपके नंबर ऑफ एटम एन नॉट से एन बच गए। ये मेरे को ऐसा लगता है केमिस्ट्री के अंदर भी शायद केमिस्ट्री के टीचर शायद करवाते होंगे, ऐसा नहीं करवाते? अच्छा, तो मुझे मालूम नहीं आप केमिस्ट्री में नहीं होगा। ओके, तो इतने समय में ये ऐसा बचेगा, और अगर लैम्डा निकालना है तो टी नीचे ले आओ, एक ही बात है, लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। इफ नीडेड तो सीधा मार्क कर लिया। रेडियो एक्टिविटी में ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया था, एन बाई एन नॉट हाफ रेज टू पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या होती है? डी एन बाई डी डी टी। डी एन बाई डी टी किसके प्रपोर्शनल होती है? एन के, यानी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी सैम्पल एट दिस टाइम। तो डी एन बाई डी टी एन के प्रपोर्शनल है, तो डी एन बाई डी टी क्या होता है? आर। तो टाइम टी पे रेडियो एक्टिविटी एन के प्रपोर्शनल है, और शुरू में एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आर नॉट एन नॉट के प्रपोर्शनल है। तो शुरू में नंबर ऑफ एटम कितने एन नॉट है, और रेडियो एक्टिविटी इसमें आर नॉट है, तो आप डिवाइड कर लेंगे तो ये टर्म आएगी। इसे डिवाइड करके अब एन बाई एन नॉट की रेशियो तो हमें पता है, हाफ रेज टू पावर टी बाई टी। तो मतलब आपकी बुक्स में रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स में या तो ये फॉर्मूला लगा होगा या ये फॉर्मूला लगा होगा, मतलब ये फॉर्मूला भी वैलिड है और ये फॉर्मूला भी वैलिड है, बस आपके न्यूमेरिकल में सीधा ये फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये जरूरत पड़े तो बस ये फॉर्मूला हम एक बार देख सकते हैं। ठीक,